ब्रिज मोहन योग चैनल में आपका सबका स्वागत करते हुए, और आज एक नन्ही बच्ची आई है हम लोगों के योग सेंटर में, और ये देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे तो आजकल अपने से दूध नहीं पी पा रहे हैं, भोजन नहीं कर पा रहे हैं, और ये बच्ची योग क्लास में आ रही है। देखिए पूर्व जन्मों का क्या संस्कार रहा होगा, और स्थित कोणासन कर रही है। देखिए काफ़ी सुंदर अभ्यास। हाँ, और ये छोटे छोटे बच्चे यदि इस उम्र से ही, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बड़ी। क्या नाम है? बड़ी। फिर से बोलो। बड़ी। बड़ी? बड़ी। बड़ी। ओ, हम सोचे कि छोटी है, नाम बड़ी कैसे इसका हो गया भाई? परी नाम है, और परी जैसा अभ्यास भी कर रही है, बहुत अच्छा अभ्यास। क्रॉस करो, क्रॉस करिए सभी लोग, स्थित कोण आसन लगातार करते जाइए। माता जी बहुत सुंदर, चेहरे पर मुस्कान रखिए, काफी अच्छा अभ्यास लगातार करते जाइए। पीछे हाथ जो ले जाते हैं उसको थोड़ा फेंकने का प्रयास करिए, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, करते जाना है। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। हम योग के शरण में आए हैं, यह योग का दरबार है, और योग माया हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर अपनी कृपा लगातार बरसा रही है, जिसके कारण हम धीरे धीरे तन से और मन से स्वस्थ हो रहे हैं। अपने सारे विकारों को दूर करते हुए लगातार योग माया के शरण में हम बने हुए हैं, क्योंकि योग माया इस संसार को चला रही है, और योग माया के प्रभाव से ही ये सारी दुनिया, सारी सृष्टि अपने क्रियाकलापों को लगातार करती जा रही है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसी में आप थोड़ा थोड़ा बदल लीजिए, दोनों पैरों को सटा लीजिए, और जानो सिरासन के साथ साथ पश्चिमोत्तानासन ये सारा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर सटाइए और हाथ को पीछे ले जाइए और आगे की ओर टच करिए, दोनों की उंगलियों को जमीन में ले जाइए। हाँ, ये हो रहा है, ये सभी लोग करेंगे, सभी लोग कर लेंगे। लगातार अभ्यास को करना है, 10 बार 20 बार इसको करना है। पीछे जाइए और आगे की ओर झुकते जाना है। एक दो, इसमें धीरे धीरे जब अच्छा अभ्यास होगा तो दोनों केहनियों को जमीन में सटाएंगे, और ललाट को घुटना में हम सटाने का प्रयत्न करेंगे। करिए थोड़ा थोड़ा, केहनी सटाइए, थोड़ा मोड़ मोड़ करके करिए, सटाइए, करते जाइए इस अभ्यास को। अब दोनों केहनी को ऐसे मोड़ लीजिए इस प्रकार से, और सामने रखेंगे जमीन पर। हाँ, रखिए, एक दो, शुरू करिए बहन जी। दोनों केहनी साइड से मोड़ लीजिए, और दोनों केहनी को जमीन में सटाइए, और पेट पर थोड़ा दबाव बनेगा इससे, लगातार करिए 20 बार। एक दो तीन, देखिए छोटी बच्ची कितना अच्छा से कर रही है, देख करके सीख लेती है। तो इसलिए कहा गया है कि छोटी छोटी बच्चियों को अच्छे संस्कार में, छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार शालाओं में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे 5 साल तक जो बच्चे एक बार देख लेते हैं वो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि 5 साल तक यदि बच्चों को जो जो टेस्ट करवाते हैं भोजन का, वह पूरा जीवन वो खाता है। आजकल क्या है कि बड़े होने पर हम, कभी दाल अच्छा नहीं लगता है, किसी को घी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को दूध नहीं अच्छा लग रहा है, किसी को मशरूम अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को अंकुरित अनाज नहीं अच्छा। क्यों? कि उनके माँ बाप 5 साल के उम्र तक सभी प्रकार के अनाजों का उसे रसास्वादन कराना चाहिए। अभी बच्चे क्या है, कुरकुरे पकड़ लिया तो बस कुरकुरे ही खा रहा है। लगातार इसको अभ्यास को करिए, फिर पैर बदल लीजिए। अब जानू सिरासन करिए, एक पैर मोड़िए और हाथ को पकड़ के, और जानू सिरासन करिए। हाँ, करो छुट्टी, करिए, बहुत अच्छा। हाँ, दोनों हाथ से करो, दोनों हाथ पकड़ो। हाँ, केहनी सटाओ, नीचे माथा सटाओ, खूब सुंदर अभ्यास। हाँ, लगातार कर रही,
अच्छा अभ्यास हो रहा है बच्चियों की तरफ से, छोटी छोटी बच्चियां हैं, सभी लोग करिए। चलिए एक दो तीन, ये नियमित योग करने का यानी डेली योगा प्रैक्टिस में ये सारे छोटे छोटे आसनों को शामिल किया गया है कि किस प्रकार से हम दोनों केहुनी को सटाइए। तो जरा करिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, पैर बदल लीजिए। बहनों के द्वारा अलग अलग आसन हो रहे हैं, अनुलोम विलोम का इधर अभ्यास हो रहा है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से मानसिक शांति मिलती है, मन हमारा प्रसन्न होता है, चित्त शांत होते हैं और दिमाग संबंधी मस्तिष्क संबंधी जो कुछ भी समस्याएं हैं प्रॉब्लम्स है वो सब धीरे धीरे अनुलोम विलोम करने से ठीक होने लगता है। इसलिए अनुलोम विलोम कम से कम आधा आधा घंटा तक नियमित रूप से करने का प्रयत्न करना चाहिए, लगातार करिए। अब शारीरिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, सुंदर सुडौल बनाने के लिए, ये आप देख रहे हैं बारी बारी से पैरों को बदल बदल करके जानु शीर्षासन का अभ्यास चल रहा है, करते जाइए। हाँ। करिए, अब इसको बदल करके भू नमनासन का अभ्यास शुरू कर दीजिए। दोनों पैरों को फैला लीजिए। हाँ देखिए, तो बहुत अच्छा कर रही है, सो जा रही छोटी। अब देखिए छोटी बच्ची है, अभी छोटा बच्चा अभी आपने कर लेता है, इसको कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। देखिए प्रणाम कर रही है ना धरती माता को। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और ये हमसे दूर होता चला जाता है आसन। अब छोटी बच्ची है, इसको कोई समझाने की जरूरत है नहीं, अपने आप पकड़ लिए इस अभ्यास को। फिर उठ जाओ बेटा, उठो। हाँ फिर हाथ ऊपर उठाओ और फिर नीचे करो। हाँ सो जाओ, बहुत अच्छा करिए, आप लोग भी करिए, करो बाबू आगे आगे ले जाओ और ले रगड़ो हाथ को, ले जाओ आगे। एक दो तीन, भू नमनासन में कई प्रकार के आयाम हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। देखे बहन जी के द्वारा कितना अच्छा अभ्यास हो रहा है, ललाट को हम जमीन में सटा देते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा अभ्यास, करते जाइए और दोनों हाथों को पसारिए, ले जाइए, बहुत सुंदर। और ले जाइए आगे, हाथ को सीधा करिए केहुनी को। हाँ बहुत अच्छा, दोनों हाथों को फंसाइए, तो जरा ऐसे पकड़ के ग्रिप बना करके और तानिए, ऐसे हाथ को फंसाइए आपस में। हाँ खींचिए ऊपर आगे क्यों, हाँ और खींचिए, खूब अच्छा अभ्यास हो रहा है। लगातार अभ्यास इसको करने के बाद 8-10 बार अभ्यास को नियमित रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटे छोटे अभ्यासों के साथ साथ रोज अभ्यास करें, हम थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कर लें तो हम 100 बरस तक आराम से जी सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है, कहीं कोई बीमारी लगने की बारी नहीं आ सकती है आपको। बस थोड़ा सा योगा प्राणायाम आसन ये सब करना है और थोड़ा बहुत खान पान पर ध्यान देना है, अच्छी नींद लेनी है सबको, रात को 10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह 4 बजे जग जाना चाहिए। जगने के बाद पूरे हथेली को पहले देखिए, उसी में आप सभी देवी देवताओं का स्मरण करके उसमें देखते हैं, फिर धरती माता को अपने पूर्वजों का ध्यान करके और दिनचर्या शुरू करते हैं तो हमारा कल्याण होता रहेगा। तो आइए सबको एक बार पुनः ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब करने का आप सबसे अनुरोध करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।